तो इस वक्त वाराणसी में हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। वाराणसी में जो होटल है, जिस होटल में आकांक्षा दुबे ठहरी हुई थी, आकांक्षा दुबे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनल वगैरह सब चला रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा इस सीसीटीवी फुटेज को मीडिया को सौंप दिया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, जिसका इंतजार था काफ़ी दिनों से तमाम दर्शकों का, कि आखिर सीसीटीवी फुटेज क्या कहता है। तो होटल का सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं 1:50 का ये सीन है। और आकांक्षा दुबे जो है एक लड़के के साथ होटल में प्रवेश कर रही है, यही वो संदीप है जिसकी चर्चा हो रही थी और संदीप की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि संदीप को छोड़ दिया गया, यहाँ सारनाथ थाने से छोड़ दिया गया है पूछताछ करके। और आप देख सकते हैं आकांक्षा दुबे आगे आगे जा रही है और साथ में है संदीप। ये संदीप कौन है, इसके बारे में अभी किसी भी तरह का कोई चर्चा नहीं हो पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि संदीप भी आकांक्षा दुबे का मित्र है। रात में आकांक्षा दुबे संदीप से लिफ्ट लेती है और आती है। संदीप होटल में जाते हैं और आकांक्षा दुबे को छोड़ते हैं होटल में। 17 मिनट तक आकांक्षा दुबे के साथ रहते हैं, जिसका इस सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी जिक्र नहीं है। जो दिखाया नहीं जा रहा है कि 17 मिनट रहे हैं तो कब बाहर निकले हैं, ये सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिख रहा है। हालांकि होटल के मैनेजर से बात करने पर पता चला कि तमाम जितने भी सीसीटीवी फुटेज का जो भी वो डीवीआर है, वो जिला प्रशासन को, जो भी सारनाथ थाना को सौंप दिया गया है। लेकिन जो मीडिया को मिला है वो सिर्फ इतना ही मिला है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे रुक कर कुछ आकांक्षा दुबे कुछ खोजने की कोशिश कर रही है। अब क्या खोज रही है तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन होटल के मैनेजर से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पे वो चाबी खोज रही है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि चाबी यहाँ क्यों खोज रही है। आश्चर्य वाली बात यह है कि यहाँ रुक कर चाबी खोजने का कोई औचित्य नज़र नहीं आ रहा है। खैर, चाबी खोज रही होगी, लेकिन यहाँ काफ़ी देर ये लोग ठहरे हैं। इसके बाद देखिए आकांक्षा दुबे जाने लगी, संदीप रूम के बाहर हैं। अभी आप देख सकते हैं इस तस्वीर में साफ सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिखाई दे रहा है, आकांक्षा दुबे के रूम में, ये 105 नंबर रूम है, जहां आप देख सकते हैं ये देखिए, ये एंट्री देखिए, ये एंट्री आकांक्षा दुबे आगे और ये सीसीटीवी, बस इतना ही बार बार दिखाया जा रहा है। इसके आगे क्या हुआ सीसीटीवी फुटेज का कोई भी चैनल ये नहीं दिखा पा रहा है। अब क्या मसला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय होटल में जो लोग थे